Once again, a very good morning to everyone. Today we are going to start with a new topic, and that topic is number patterns. Means आपने number form में patterns given होंगे, उनको observe करके आपने आगे के numbers find करना है. Now we take some example related to number pattern. First example is 3, 5 and 7. Means आपने 3 numbers given है, आपने observe करना है, then आगे के numbers find करने हैं. अब 3 और 5, अगर हम 3 में 2 ऐड कर देते हैं तो आपके पास में नेक्स्ट नंबर 5 आ जाता है. तो 5 में अगेन 2 ऐड कर देंगे तो 7, देन 7 में अगेन 2 ऐड करने पर 9, देन नेक्स्ट अगेन 2 ऐड करने पर आपका नेक्स्ट 11, देन 2 ऐड करने पर मींस आपने क्या करना है, यहाँ पे 2-2 के गैप में 2 ऐड करोगे तो नेक्स्ट आ जाएगा आपका 13. मींस आपके 2-2 के गैप में नेक्स्ट नंबर राइट करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 67, 62, 57. अब ये आपका अपोजिट डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर गिवन है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर माइनस करना है. यहाँ पर हमने ऐड करा और यहाँ पर आपने माइनस करना है. अगर असेंडिंग ऑर्डर में गिवन होगा आपको ऑब्जर्व करना है कि उसमें एडिशन हो रहा है कि सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और आपने उसे आगे सॉल्व करना है. अब यहाँ पे माइनस क्या हो रहा है, 57 में से आप अगर 5 माइनस करोगे तो आपके पास में 62 आ जाएगा. तो आपने यहाँ पे 5 माइनस करा तो 62 आ गया. अब नेक्स्ट आपने 62 में से अगेन 5 माइनस करा तो 57 आ गया. तो आपने नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए अगेन आपने 5 माइनस करना होगा. तो 5 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 52. देन अगेन 5 माइनस करोगे तो 5 माइनस करने पर नेक्स्ट आएगा आपका 47. देन अगेन 5 माइनस करोगे तो 5 माइनस करने पर आएगा आपका 42. मीन्स आपने 5-5 माइनस करके नेक्स्ट नंबर फाइंड किए. नाउ वी टेक नेक्स्ट एग्जांपल 1, 8, 27. अब आपको देखो यहाँ पर क्या गिवन है कि अगर आपका 1 और 7, इसके बीच में आपका 7 का गैप है, लेकिन 8 और 27 के बीच में तो बहुत ज्यादा गैप है, तो यहाँ पर आपका माइनस या फिर एडिशन तो हो ही नहीं रहा है. अब हम चेक करते हैं मल्टीप्लाई. अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आता है, 2 को 2 से करते हैं तो 4 आता है, लेकिन जब हम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 8 आता है, और 1 को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 आएगा, लेकिन जब हम 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 27 आता है. तो आपको यहाँ पे क्या कर रखा है, एक एक नंबर आपका इंक्रीज हो रहा है और उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट आपका नंबर दिया हुआ है. तो नेक्स्ट आपको क्या करना होगा, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा. तो जब आप 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 64. देन इसके बाद नेक्स्ट 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को नेक्स्ट 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 125. देन उसके बाद नेक्स्ट में आपको 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा, तो 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा. नाउ वी टेक नेक्स्ट एग्जांपल 8, 15, 22 एंड 29. अब 8 और 15 के बीच में आपका 7 का गैप है, देन 15 और 22 के बीच में भी आपका 7 का गैप है, और 22 और 29 के बीच में भी 7 का गैप है. तो आपने क्या करना है, अब आगे के नंबर फाइंड करने हैं. तो नेक्स्ट में भी आपका 7 का गैप होगा, तो 29 में जब आप 7 ऐड करोगे तो आपका नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, 36. देन अगेन 7 ऐड करोगे तो 43. मीन्स आपने सिंपली नंबर्स वाले पैटर्न में आपने क्या करना है, नंबर को ऑब्जर्व करना है, आपको चेक करना है कि वो एडिशन होके आगे के नंबर फाइंड कर रहे हो या सब्ट्रैक्शन होके, मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके. ऑब्जर्व करने के बाद में आपको उनको सिंपली उसी सेम वही नंबर ऐड करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं, और नेक्स्ट नंबर आपने फाइंड करना है. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, एंड टुमारो वी विल कंटिन्यू विद अ न्यू टॉपिक. थैंक यू सो मच.